ये गाइज व्हाट्सअप। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल्स के बारे में, और सिग्नल्स के अंदर मैं आपको डेजर्ट सैंड कलर दिखा रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया जो है ये मोटरसाइकिल है भाई। सिग्नल्स जब से आई है तब से काफ़ी पॉपुलर हुई है, और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या कुछ आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या प्राइस आपको देखने को मिलता है, और क्यों आपको लेनी चाहिए क्यों नहीं लेनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बिल्कुल लेटेस्ट वाला मैं आपको जो है मॉडल दिखा रहा हूँ क्लासिक 350 सिग्नल्स का, जो कि आपका लेटेस्ट बिल्कुल E20 वाला वेरियंट है। और ये स्विचेज़ वगैरह और इसका मीटर भी देखो थोड़ा अपडेट कर दिया गया पहले के मुकाबले, और यहाँ इस तरफ से आप देख पा रहे हैं। तो काफ़ी शानदार बाइक है भाई सिग्नल्स, क्योंकि इसके ऊपर जो आपको स्टिकर्स मिलते हैं, जो कलर आपको सिग्नल सीरीज़ के अंदर देखने को मिलता है वो किसी और सीरीज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर रॉयल इनफील्ड का स्टिकर जो है ये भी आपको डिफरेंट थोड़ा देखने को मिलता है। मैट ब्लैक में इसका इंजन आता है, बिल्कुल लेटेस्ट जे सीरीज़ इंजन इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है 350cc का रॉयल इनफील्ड का। और जो ये हेडलाइट कैप है ये भी ब्लैक कलर की आपको इस बाइक के अंदर जो है देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी शानदार लगती है। बाकी जो 40 का स्टिकर आप देख पा रहे हो ये भी इसी बाइक में आपको देखने को मिलेगा। और ये नंबर जो आप बाइक के ऊपर देख पा रहे हो, ये हर बाइक के ऊपर यूनिक नंबर आपको देखने को मिलेगा, किसी भी बाइक के ऊपर जो है ये नंबर आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। हर बाइक के ऊपर अलग अलग नंबर जो है आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो इंजन है वो 20.2 bhp की पावर निकाल के देता है 27 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। यहाँ पे सिग्नल्स 350 लिखा गया है, ये आपका इंजन। स्पोक व्हील्स के साथ ये बाइक आती है, थोड़ी सी रेट्रो लुक आपको देने की कोशिश की गई है। 28 जो है पीछे लिखा गया है। 35 तक का माइलेज आप आराम से इस बाइक से जो है अचीव कर सकते हो। और कलर जो है इसका थोड़ा मैट टाइप कलर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे E20 की बैजिंग आप देख पा रहे हो। ये हेडलाइट के जो है स्विचेज वगैरह आपको इधर देखने को मिलते हैं। ये मीटर कंसोल है, और यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच विद राजा हेडलाइट का बटन आपको मिलता है। और ये आपको जो है सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जो कि अपडेटेड है बिल्कुल। इसके अंदर आपको फ्यूल मीटर, ट्रिप मीटर, टाइम जोन की सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाती हैं। बाकी ट्रिपर नेविगेशन भी आप एज ए नेसेसरी लगवा सकते हो। USB चार्जिंग भी आपको इस बाइक के अंदर जो है देखने को मिलती है। बाकी 5 गियर आते हैं, 1 डाउन 4 अप वाला जो है आपको सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे पेट्रोल अप टू E20 तक का जो है दिया गया है इसके अंदर, यानी कि BS6 Phase 2 कंप्लाइंट बाइक है, बिल्कुल लेटेस्ट वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 300mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक आती है, ड्यूल चैनल ABS आपको देखने को मिलता है, कि किस बाइक के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और कलर काफ़ी शानदार है नो डाउट। हेलोजन में इसकी हेडलाइट आती है, हेलोजन में इसकी इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलते हैं, हेलोजन में इसकी टेल लाइट आती है। कुछ भी इसके अंदर आपको जो है LED वगैरह देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंट्रोल वगैरह, चाबी भी अपडेटेड आपको मिलती है अब जो नई क्लासिक 350 इसके अंदर। यहाँ पे स्टिकर रॉयल इनफील्ड का काफ़ी डिफरेंट स्टिकर आपको देखने को मिलता है, और ये नंबर जो कि अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। और सिग्नल सीरीज़ लेने का भाई सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ऐसी नंबरिंग आपको किसी और बाइक में, किसी ब्रांड की में नहीं मिलेगा। ऐसा कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे स्टिकर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो अपने आप में काफ़ी यूनिक बाइक है। बाकी फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी रॉयल इनफील्ड इस बाइक के अंदर यूज़ करता है। 13 लीटर का आपको बड़ा टैंक इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है, 2.6 लीटर की रिजर्व कैपेसिटी के साथ। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं फ्रंट में, 41mm फ्रॉक्स वर्थ 30mm ट्रेवल के साथ, और रियर में ट्विन ट्यूब एमिलेशन शॉक एब्जॉर्ब 6 टाइप एडजस्टेबल प्रीलोडेड के साथ आपको देखने को मिलते हैं। ड्यूल चैनल ABS आता है जैसे मैंने आपको बताया। फ्रंट में जो है 300 mm की जो है आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, और रियर में जो है 270mm की आपको जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। स्पोक व्हील्स आते हैं बाइक के अंदर, तो ट्यूब टाइप टायर ही आएंगे। फ्रंट टायर जो है इसका 19 इंच का आता है, रियर आपको 18 इंच का देखने को मिलता है। फ्रंट टायर का जो साइज़ की बात करें तो 190/19 का मिलता है, और रियर टायर आपको 120/18 का देखने को मिलता है। बाकी फिट एंड फिनिश काफ़ी बढ़िया जो है आपको क्लासिक 350 के अंदर देखने को मिलती है। 195 kg बाइक का वेट है। लेंथ की बात करें तो 2145mm है, विड्थ की बात करें तो 785mm है, हाइट की बात करें तो 1090mm है, सीट हाइट की बात करें तो 805mm है। ग्राउंड क्लीयरेंस इसके अंदर 170mm की आपको मिलती है, और ट्विन डाउन ट्यूब फ्रेम स्पिन पे चेसिस आपको मिलती है, यानी कि ड्यूल रोड चेसिस आपको इस वजह से बाइक के अंदर जो है देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन जो है बिल्कुल ना के बराबर हैं। सिग्नल्स 350 यहाँ पे लिखा गया, जो कि काफ़ी शानदार लगता है। और ये टैंक काफ़ी खूबसूरत, इसका लोगो रॉयल इनफील्ड का ये भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी 3 साल या 30,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो अप टू 5 ईयर्स के लिए। तो ओवरऑल एक बढ़िया जो है पैकेज आपको मिलता है बाइक के, इस बाइक के रूप में। बात करें प्राइस की, तो 2,50,000 रुपये इसका जो है ऑन रोड प्राइस चल रहा है फिलहाल दिल्ली के अंदर, 2,50,000 रुपये के आसपास। और कंफर्टेबल बाइक है भाई काफ़ी, और वैल्यू फॉर मनी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि थोड़ा सा कलर भी आपको यूनिक मिलता है, और थोड़ा सा स्टिकरिंग वगैरह इस बाइक के अंदर जो है यूनिक मिलती है। तो आर्मी लवर जो है भाई बंदे हैं वो भी इस बाइक को लेना पसंद करते हैं। और जो स्टीथ ब्लैक है उसके बाद सबसे ज़्यादा भाई फिलहाल के लिए जो हमारा एरिया है इसके अंदर तो भाई यही बिक्री है। बाकी सर्विस एक्सपीरियंस भी काफ़ी शानदार है रॉयल इनफील्ड का, परफॉर्मेंस के मामले में कहीं पे भी आपको जो है बाइक परेशान नहीं करेगी, काफ़ी बढ़िया आपको जो है बिल्ड क्वालिटी मिलती है, रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी आपको जो है ऑफर करती है बाइक।
और किसी भी एज ग्रुप का पर्सन चलाए भाई सभी के ऊपर अच्छी भी लगती है। तो ओवरऑल एक बढ़िया जो है पैकेज आपको क्लासिक 350 सिग्नल्स के रूप में जो है देखने को मिलता है। इसमें एक और कलर आता है मार्स ग्रे, उसकी हमने वीडियोज़ बनाई हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।